नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। भाई इंडिया के अभी एक क्रेज अच्छा है कि यहाँ से वीजा पकड़ो और दुबई पहुंच जाओ। जी हाँ, एक आसान सा तरीका है, 2 दिन में वीजा मिल जाता है और सेम डे टिकट मिल जाती है। आप चाहो तो आज आपके मन में है दुबई पहुंचना है, 3 दिन बाद आप दुबई पहुंच सकते हैं। जी हाँ, और इसी वजह से दुबई में लोग जाके लोगों के साथ में फिर वहां पे क्या होता है, वो तो बाद का मेट्रो हो जाता है, इंडिया से तो आप चले जाते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, दुबई जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पे 7 लोग पहुंचे, 7 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के पीछे रीजन क्या था, फर्स्ट एंट्री जो गेट होता है वहां पे आप जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। आपके उन 7 लोग थे, बता दूं 7 लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए, वीजा और टिकट दोनों फर्जी निकले। जी हाँ, 7 लोगों ने फिर बताया कि हमने 5 लाख रुपए दिए थे, और ठगने वाला कौन था, मौसी का लड़का। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे, आप लोगों को भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम बताएंगे आपको। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये बंदे बता दूं यूपी का मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने बताया कि दुबई में अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी, अच्छा रहना और अच्छा खाना, ये सब बता के उसके रिजवान का साथी था इकबाल, फखरुद्दीन, आसिफ, साकिर मोहम्मद, जी हाँ, और मोहम्मद हुसैन, इनके साथ में ठगी कर ली। ठगी करने वाला कौन था, नबी अहमद के कहने पर, जी हाँ, मौसी का एक बेटा, उनका बेटा था शराफत अली, प्रयागराज यूपी से था, उसका उस वो एजेंट बन गया इनका कि अरे भाई आपको तो मैं यूं लगवा दूं, चुटकियों में जॉब लगवा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। 7 लोगों ने मिलके उसके एसबीआई के अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। अब ठीक है बेचारे, उनकी क्या गलती है, 5 लाख रुपए डाल दिए, उसने उनको वीजा दे दिया, टिकट दे दिया, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। एयरपोर्ट पे पहुंचने पे पता लगा कि शराफत अली ने तो वो नाम ही शराफत था, लेकिन वो तो अशराफत निकल गया, समझ रहे बात को, उनके साथ में खेला कर दिया। अब खेला क्या हुआ, फर्जी तो वीजा दे दिया और फर्जी उनके हाथ में टिकट पकड़ा दी। डॉक्यूमेंट जांच हुई तो इमिग्रेशन अधिकारी कहीं ठीक होते हैं, वरना तो मुकदमा लगाते हैं भाई 420 का, डॉक्यूमेंट फर्जी लेके एयरपोर्ट पे घुसने का प्रयास कर रहे हैं, इमिग्रेशन एक्ट में वहां FIR हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। रियली तो है आपके हाथ में फर्जी डॉक्यूमेंट, आप जिम्मेदार हैं, वो तो बाद में जांच में वो पकड़ेंगे ना, लेकिन इनको छोड़ दिया इन, क्योंकि आदमी की रहन शकल से लग जाता है कि यार इनके ये गलत नहीं कर सकते, इनके साथ तो अगले ने खेला किया है। तो ये लोग वापस अपने घर आ गए, मायूस होके मुंह छोटा सा करके लटका के घर आके उसके शराफत अली से बात हुई तो उसने पहले तो बोल दिया ठीक है मैं पैसे दे दूंगा आपको, टेंशन न लें, फिर पैसे नहीं दिए, मुकर गया, पैसे नहीं दिए तो दबाव बनाया, दबाव दिया तो धमकी दे दी, मैं मुकदमा करवा दूंगा, मैं फर्जी केस में फंसा दूंगा, एजेंट लोग अक्सर ऐसा करते हैं। फिर वो SP के सामने उनको पेश होना पड़ा, तब जाके उनकी FIR दर्ज हुई। ऐसे लोगों से आप क्यों जाते हैं भाई, ये बुक इसीलिए मैंने बनाई है, लेकिन इसको तो आप नहीं खरीदोगे, मुझे पता है। 7 लोगों ने 5 लाख गवा दिए, लेकिन 7 लोगों में से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी इस ये उनको बोलते नहीं ये खरीद ले भाई, तुझे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना 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 ना, ये तो 1000 रुपये मैं कैसे दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता, एजेंटों को देते रहेंगे, वो फर्क नहीं पड़ता। ये जो शराफत अली जैसे एजेंट है ना, इनसे बचने का उपाय इसमें है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है 80% से भी ज्यादा लोग उनके संपर्क में आते हैं जो इनमें लिस्टेड नहीं है, समझ रहे बात को। इसमें 1556 ऑफिस हैं, उनमें लगभग 80% लोग नहीं जाते, उनके थ्रू 20-25% लोग जाते हैं, बाकी वो शराफत अली जैसे गली के जो चौराहे पे बैठ के चाय की थड़ी पे बात करने वाले एजेंट हो ना, उनको पैसे दे देते हैं, उन्हीं को पासपोर्ट पकड़ा देते हैं और वो आपका काम करवा देता है, और ये इस तरह का काम करवाता है। आप चाहें तो ये भी है ऑप्शन आपके पास, लाइफ टाइम के लिए, ये एक बार खरीद ली लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाओगे, आपको कोई चैलेंज गारंटी के साथ कोई खरीद नहीं, आपको कोई चेप नहीं सकता, फर्जीवाड़ा आपके साथ कर नहीं सकता, बाकी आपकी समझ है। तो ऐसे एजेंटों से सावधान रहने की जरूरत है भाई। दुबई के नाम से आजकल बहुत ज़्यादा शिकायतें मेरे पास आ रही हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, किसी को कुछ गलत हो रहा है। दुबई में भी एक, दुबई से अलग कोई बात करेंगे, दुबई में भी बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।